जदा भ्रामं भ्रामं हरिरसगलद् वैष्णवजनं कदाचित् संपश्यंस्तदनुगमने साधुरुचिज्युतः तदा कृष्णवृत्तत्यजति सनकैर्मायिकदशां स्वरूपं बिभ्राणो विमलरसभगं सकुरुते जदा भ्रामं भ्रामं हरिरसो गलद् वैष्णवजनं कदाचित् संपश्यंस्तदनुगमने साधुरुचियुतः तदा कृष्णावृत्ता त्यजति सनकैर्मयिकदशां स्वरूपं बिभ्राणो विमलरसभगं सकुरुते गौड़ीय गोष्ठीपति गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, हम लोगों का जिंदगी में इस जड़ जगत का अभिज्ञता एक्सपीरियंस छोड़कर और कुछ नहीं, खाली हाथ। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, हम लोग के पास एकमात्र अवलंबन है ऑल मेटेरियल एक्सपीरियंसेस। जितना सारे जड़ जगत का एक्सपीरियंस है यही हमारा पूंजी है, ये हमारा कैपिटल है। लेकिन ये जड़ जगत का जो अभिज्ञानता, इसके सहारे में अप्राकृत जगत में प्रविष्ट होना संभव नहीं। जितना ताकत है हमारा, मनी पावर, मैन पावर, एजुकेशनल पावर, कुछ भी है, तमाम चीजों को अगर बाजी लगा दे अप्राकृत जगत का बारे में जानकारी लेने के लिए, तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अप्राकृत वस्तु को भू प्राकृत गोचर है। अप्राकृत वस्तु को भू प्राकृत गोचर है। वर्तमान अवस्था में जो सब विषय वर्तमान अवस्था में ए मेटेरियल एक्सपीरियंस लेकर जो समस्त विषय जानना अत्यंत कठिन है, जैसे परम सत्व, ये जानना बड़ा कठिन है। और ठीक इसी प्रकार से वो सब विषय जानने का उपाय भी है, उपाय भी है, ये भी सच्चा बात, दोनों ही सही। क्योंकि उपनिषद का वचन में मिलता है, आश्चर्य अश्वक्ता कुशल अश्वलभ्या, एक वक्ता अप्राकृत जगत का बारे में ये सच्चा वक्ता दुनिया में मिलना बड़ा कठिन है। अगर फिर भी वक्ता मिले तो श्रोता और भी सुदुर्लभ है, कहा करे। आश्चर्य वक्ता कुशल अवशलभ था।
हम लोगों का सामने अप्राकृत जगत का विषय जानकारी मिलना संभव होता है जब हम लोग अप्राकृत शब्द ब्रह्म का सहारा लेते हैं। जो अप्राकृत शब्द ब्रह्म श्री विशुद्ध गुरु वैष्णव का मुखारविंद से निकालता है, निकालते रहते हैं, तो बात उदाहरण दे रहे हैं। ये देखो, ये जो एजाम्शन हम लोग का जो एक एजाम्शन है, ये एजाम्शन रागानु का भजन नहीं है। हमारा जो एजाम्शन है ये कदापि रूपानु का भजन, रागानु का भजन या तो कामरूपा भक्ति ये नहीं है, एजाम्शन नहीं है। गुरु जी कहते थे इमोशन इज नॉट डिवोशन, इमोशन कैन गिव यू डिमोशन बट डिवोशन कैन गिव यू प्रमोशन। इमोशन के द्वारा फाका इमोशन, मेटेरियल इमोशन जो बेसलेस इमोशन है, इसके द्वारा हरिभजन होता नहीं। ऐसे तो विचार किया जाए अप्राकृत इमोशन तो है ही है, लेकिन प्राकृत इमोशन कोई काम का नहीं। इसके द्वारा हरिभजन नहीं होता है, भक्ति डिवोशन नहीं है। प्राकृत इमोशन के द्वारा डिमोशन अर्थात हमारा पतन हो सकता है। प्राकृत इमोशन मेरा पतन का कारण बन जाता है, लेकिन अप्राकृत जो डिवोशन है ये मेरे को प्रमोशन देता है अर्थात ऊर्ध्वगति हमको आगे ले जाने का प्रयास करता है। पोपत कह रहे हैं अप्राकृत जगत का जो मैसेज है, ये वैकुंठ जगत का जो पियोन है पोस्टमैन, ये अप्राकृत जगत का जो मैसेज है खबर है, ये अप्राकृत जगत का जो मैसेज है, ये मैसेज ठाकुर जी हम लोग का पास पोस्टमैन, अप्राकृत जगत का जो पोस्टमैन है डिप्यूटेड पोस्टमैन जो है इनके द्वारा हमारा पास पहुंचाने का कोशिश करते हैं। भगवान शास्त्र रूप में, भगवान साधुगुरु वैष्णव का रूप पकड़ कर, भगवान धाम का रूप पकड़ कर, नाम का रूप पकड़ कर, व्रत उपवास का रूप पकड़ कर हमारा पास पहुंचते हैं। जैसे कि हम सब बद्ध जीवों का मंगल होना संभव है, जैसे कि हम लोगों का मंगल हो जाए इसीलिए भेजता है। जिन लोगों का जिंदगी में अप्राकृत जगत का कोई खबर ही नहीं मिला, कुछ खबर नहीं मिला, इनके लिए यही सोचना शायद ठीक है कि इन लोगों का तकदीर बहुत खराब है। जिन लोगों का लिए कोई मैसेज मिला नहीं, जिन लोगों का लिए, जिन लोगों का जिंदगी में कोई मैसेज मिला नहीं अप्राकृत जगत से, पोस्टमैन चिट्ठी नहीं लाए, चिट्ठी जिनके लिए लाया नहीं,
इसका तबीयत, इसका तकदीर बहुत खराब। लेकिन एक इसमें विचार है, जो लोग संवाद अप्राकृत जगत का, जो लोग अप्राकृत जगत का अप्राकृत खबर पाने के लिए तरसते रहते हैं, आरतो हैं, हर वक्त तरसते रहते हैं कब मेरा पास खबर आएगा, ये लोग का पास जरूर ये पोस्टमैन खबर लाके ही रहेगा, इसका लिए कोई संदेह नहीं है, इसका लिए कोई संदेह बिल्कुल नहीं है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था ये बड़ा आश्चर्य श्लोक है, बड़ा सुंदर भक्तिमन ठाकुर जी ने लिखा है। दशमूल तत्व का अंदर में लिखा है, ज्यादा ज्यादा अर्थात क्या लिखा है, ज्यादा भ्रामम भ्रामम हरि रसद गल वैष्णव जनम कदाचित संपश्यं स्तदनुगमनी साध रुचि युतः तदा कृष्ण वृत्ता त्यजति सनकैर मयिक दशाम स्वरूपम विभ्राणु विमलो रसभोगम सकुरुते। क्या माने हैं, श्रील सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जी ने लिखा है, जब जीवात्मा भ्रमण करते 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 एक हरिरस विगलित हृदय, हरिरस विगलित हृदय कोड़ी वैष्णव साधु का साथ मिला है, कदाचित संपश्यन इनके आचार, इनके प्रेम आदर्शो प्रेममय भाव, विगलित हृदय प्रेम में इनके सामने पहुंचकर इनको दर्शन कर कर कदाचित संपश्यन स्तदनुगमने साध रुचि जुता, भ्रम्यमान ये जीवों का हृदय में तब एक इच्छा पैदा होती है, एक इच्छा पैदा होती है कि मैं भी इनके महापिक भगवान का सेवा करे, भगवान को प्रेम करे, क्योंकि प्रेम का वस्तु तो एकमात्र भगवान ही है, और तो कोई नहीं है, और तो कोई है ही नहीं, तो हम भगवान को ही क्यों ना प्रेम करें। जैसे पिंगला वेश्या का जिंदगी में परिवर्तन आई, पिंगला वेश्या जी ने इरादा पक्का कर ली कि आज से सब बंद, कोई मेरा जिंदगी में हीरो बनकर कोई नहीं है, सब जीरो है, हीरो कोई नहीं है, हीरो अगर है तो ये परात्पर अखिलेश्वर भगवान गोविंद है। क्यों मैंने अपना जीवन जिंदगी को गंवा रहा हूं, जिंदगी मेरा खतरा में है, आज से सारे बंद। प्रेम करना है तो ये परम पुरुष को ही प्रेम करना है, किसी को और प्रेम नहीं करना है, तब इसका जिंदगी में एक मोड़ आया था। तो जब ऐसा, एक ही बात महाप्रभु जी ने बताया, यदि अगर जिंदगी में भगवत प्रेम में विगलित कोई पुरुष आपका जिंदगी में मिला हो तो जरूर खरीद ले,
देर मत करना, ये महा महा सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ। लेकिन उसका लिए मौल्यो लौल्यमोपी मूल्यमेकलम, इसके लिए लोभ चाहिए। कृष्ण भक्ति रसो भवितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभते तत्रो लौल्यमोपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृत्वैर न लभते। यही बात बताया श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर भी, यही बताया कदाचित संपश्यन तदनुगमने स्वाद रुचि युत, ऐसा मापिक हरिरस विगलित हृदय संपन्न कोई महापुरुष प्रेममय पुरुष का दर्शन हो गया। हम अगर भ्रमण करते करते अनंत ब्रह्मांडो 14 भुवन भ्रमण करते करते अगर बाई चांस ऐसा मापिक एक हरिरस विगलित प्रेममय कोई पुरुष का साथ हमारा अगर भेंट हो जाए तो इनको देखकर मेरा आनंद हो जाए, मेरा हृदय में भी अगर इच्छा पैदा होती है कि मेरे को भी ऐसा भगवान का सेवा करना है, भगवान को प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम का वस्तु तो एक ही है, वह है गोविंद। उस समय क्या होता है, बज तौदा कृष्णा वृत्वा तजति सनकोईर मई क दशाम, कृष्णा वृत्ता माने कृष्णानुशीलन, इसका माने हैं तदा कृष्णा अवृत्वा तेजति सनकोईर मई क दशाम। इसका अंदर में खूब गहरा विचार है, तदा कृष्णा वृत्ता मतलब सदगुरु चरण आश्रय से लेकर गुरुअनुगत्व अनर्थ त्याग सारे इसका अंदर में है। हरिकथा श्रवण कीर्तन गुरुअनुगत्व में सेवा ये सब कृष्ण आवृत्वा, अर्थात एक जो शब्द श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने व्यवहार किया इसका नाम है कृष्णानुशीलनम। इसका नाम क्या है, कृष्णानुशीलनम, हाँ कृष्णानुशीलन। तदा कृष्ण पिता, उसका बात क्या है, ग्रेजुअली अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तदा कृष्ण पिता तेजोति सनकोईर माई को दशा, माई को दशा मतलब इसका अंदर से जितना अनर्थ है धीरे धीरे विदा हो जाता है, भाग जाता है। जिसका भजन क्रम हमने विचार किया, अदो गुरु पदाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया अदो सद्या ततो सदसंग अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्वात निष्ठा रुचि तथा अथा शक्ति तथा भाव। ये जो इसका बात प्रेम अभ्युदंचति, तो जब अनर्थ भग जाता है, अनर्थ तमाम भग जाने का बाद क्या होता है, वास्तविक हरिभजन शुरू होता है। वास्तविक हरिभजन शुरू होने से क्या होता है, अपना स्वरूप का परिचय मिलता है, पहले स्वरूप सिद्धि होता है। स्वरूपम विभ्राणु, उसका स्वरूप का उद्बोधन हो जाता है और उस समय अप्राकृत जगत का जो अप्राकृत जगत का विमल रस, अप्राकृत जगत का जिसका बारे में उपनिषद में बताया रसो वैश रसो एव ही अयम लब्धानंदी भवति, ये रसोमय भगवान का जो धाम है वृंदावन, ये विमल रसभगम सकुरुते,
इसका लिए विमल रस आस्वादन करने का महलत मिल जाता है। शिला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने बताया, संसार भ्रमण करते करते जीवों का कदाचित भक्ति प्रदो सुकृति होता है, भक्ति उन्मुख सुकृति। संसार भ्रमण करते करते जीवों का कदाचित भक्ति उन्मुख सुकृति होती है। शुद्ध भक्ति का जो सब अंगों हरि भक्ति विलास में निर्देशित किया गया, शुद्ध भक्ति का जो सब अंगों लिम्स हरि भक्ति विलास में निर्देशित किया गया, इनमें से कोई एक भी कार्य मनुष्य जीवन में कदाचित अगर हो जाता है, दैवात कदाचित हो जाता है, यथा साधन सिद्ध प्रहलाद का बारे में पुराण में देखा जाता है। प्रहलाद महाराज एक पैसा वाला घर का लड़का था, लेकिन चरित्रहीन, बहुत बदमाश, पहला जिंदगी साधन सिद्ध प्रहलाद। इनको पिताजी भगा दिया, ये वेश्या संग करते थे सब। कदाचित एक दिन वेश्या के साथ बहुत झगड़ा हो गया, होने के बाद ये जंगल में चला गया। है क्या रखा जिंदगी में, कुछ नहीं है। जंगल में जाके अनजाने में एक विष्णु मंदिर में थोड़ा विश्राम लिया, खाया नहीं पिया नहीं, पूरा दिन कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं कुछ किया नहीं। इतना दुख हुआ उसका, वेश्या का साथ झगड़ा करके बोले मरने का हालत पैदा हुआ। बोले क्या पानी पिया नहीं, खा कुछ नहीं खाया पिया भी नहीं। अचानक उस दिन भगवान का निशिंग चतुर्दशी, बस अनजाने में हो गया, एक गिलाड़ी का मंदिर परिक्रमा हो गया, उसका भी राधा कुंड में एक शियाल, एक गिदर का मंगल कर दिया राधा रानी, ऐसे ही होता है। तो अगर एक भी जैसे अचानक एकादशी उपवास हो गया, भगवत लीला तीर्थों का दर्शन स्पर्शन, अतिथि का रूप में किसी विशेष शुद्ध भक्तों का अनजाने में उपकार कर दिया, उसको इंटेंशन नहीं था कि साधु को हम उपकार करें, अतिथि बोध अतिथि विचार में शुद्ध भक्तों का उपकार कर दिया, निष्किंचन साधु गणों का मुखारविंद से कदाचित हरि कथा दी श्रवण हो गया, कदाचित इंटेंशनली नहीं हो गया। ये सब कार्यों हैं, ये सब कार्यों में जिन लोगों का ये सब कार्यों में जो हमने बताया, ये सब कार्यों में ये समस्त कार्यों में जिन लोगों का जिंदगी में भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा रहती है, ये लोगों का संबंध में ये लोग
भक्ति प्रदो अर्थात भक्ति मुख सुकृति ये लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन कदाचित अगर ये सब क्रियाक्रम अनजाने में मेरे से हो गया, जैसे एकादशी निशिंगोत पालन पूर्वाश्रम पूर्व जन्म का प्रहलाद महाराज साधु सिद्ध प्रहलाद जी का भगवत लीला का तीर्थ स्पर्श अचानक किसी साधु का उपकार कर दिया मैंने, निष्किंचन साधु गुरु वैष्णव का मुखारविंद से हरि नाम आदि हरि कथा श्रवण हो गया, ये समस्त कार्यों में जिन लोगों का जिंदगी में भक्ति मुक्ति का स्प्रिया बिल्कुल नहीं है, वो लोग का भजन उन्मुख सुकृति होता है, ये लोग का भक्तिन्मुख सुकृति होता है। बाकी जिन लोगों का अंदर में भक्ति मुख स्प्रिया रहती है वो लोग का नहीं होता। अतत्वज्ञ जो जिसका तत्वज्ञ नहीं है, ऐसा मापी व्यक्ति सब अनजाने में बाय चांस अगर भक्ति मुक्त स्प्रिया छोड़ दिया, वही समस्त कार्य जो अगर कर दिया, इन लोगों के लिए भक्तिन्मुख सुकृति हो जाती है। उन लोगों के लिए भक्तिन्मुख सुकृति अनजाने में हो जाती है। उसी प्रकार का भक्ति प्रदो भक्तिन्मुख सुकृति बहु बहु जन्म के द्वारा पूंजीभूत होने से वही सुकृति बड़ा बल संचित करा देता है। सुकृति पूर्व पूर्व बहु बहु जन्म का ऐसा मापिक बहु बहु जन्म का ऐसा मापिक भक्तिन्मुख सुकृति अगर संचित हो जाए, अगर संचित हो जाए इसके द्वारा एक बल अंदर में पैदा होता है, एक बल पैदा करा देता है। ऐसे अनन्य भक्ति में श्रद्धा उदय करा देता है। सत्संगो प्राप्यते पुंभीर बहुवीर सुकृतिर सुकृतोर पूर्व संचित। सत्संगो लभते पुंभीर बहुवीर सुकृतिर सुकृतोर पूर्व संचित। बहु बहु जन्म का सुकृति इकट्ठा होने से ऐसा महलत सुजग मिलता है, मतलब अनन्य भक्ति में श्रद्धा उदय करा देता है। ये अनन्य भक्ति में जो श्रद्धा, मतलब श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकम सुदृढ़ विश्वास। कोमल श्रद्धा के बारे में अभी मैंने चर्चा नहीं किया। अनन्य भक्ति में जिसका श्रद्धा पैदा होता है, ऐसा शुद्ध भक्त साधु संगो करने का भी इच्छा पैदा होती है। साधुगणों का संग होने से साधन भजन का क्रम जो हमने बताया था सब हो जाता है। अधो श्रद्धा तथो साधु संगो अथो भजन क्रिया अथो अनुत्थान वृत्ति सात निष्ठा रुचि तथा सब हो जाता। ततो प्रेम अभ्युदंचति साधुकानमयम प्रेमनो पबुर्भावे भावित क्रम। शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्त साधु संगो करने का स्प्रिहा इच्छा पैदा होती है। साधु संगो होने से साधन भजन धीरे धीरे होते रहता है। गुरु पदाश्रय से लेकर भजन अंग का सारे आगे बढ़ते रहता है।
भजन करते करते अनर्थ सब चले जाता है। जो श्रद्धा चिलो पहले जो श्रद्धा बोल के जो चित्त वह निर्मल होकर निष्ठा रूप में परिणत हो गया। वो जो श्रद्धा है वर्तमान अवस्था में वो निर्मल होके निष्ठा का रूप में परिवर्तित हो गया। निष्ठा ग्रेजुअली क्रमशः अधिकतर निर्मल होके रुचि व टेस्ट में बदल गया, बदल जाता है। रुचि भक्ति सौंदर्य बद्ध होके रुचि भक्ति सौंदर्य में आबद्ध होकर आसक्ति का श्रृंखल में बन जाता है। आसक्ति मतलब जबरदस्त छोड़ा नहीं जाए, ऐसा स्थिति में एक श्रृंखल बन जाता है। और ये आसक्ति और भी आगे चलकर पूर्णता लाभ करने से भाव बारुति उत्पन्न होती है, इसका नाम है स्थाई भाव। कृष्ण रति में स्थाई भाव, स्थाई इसका हिलने वाला नहीं है, ये स्थाई भाव है। ये भाव रोती होता है, रोती सामग्री है, सामग्री का संयोग में रस बनता है। यही है भगवान चरण में प्रेम उत्पत्ति का क्रम है। जिसको राग बत्मो चंडिका में धीरे धीरे बताने का कोशिश किया गया। पहला बात ये है जो शुद्ध साधु दर्शन में पहला बात ये है, फंडामेंटल बात ये है, मोस्ट फंडामेंटल बात यह है, शुद्ध साधु दर्शन में सुकृत पुरुष का साधु अनुगमन का प्रवृत्ति जन्म लेता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जनने तेस्तेओ है मुख्यम। कृष्ण प्रेम पैदा होने में यही एक ही चीज है, ये साधु संग। यद्यपि साधु संग होने से लिखा हुआ है कृष्ण भक्ति का जन्म मूल, कृष्ण भक्ति जन्म में जो वेरी रूट कॉज इज साधु संग। लेकिन आगे चलकर जब प्रेम उत्पत्ति का विषय क्वेश्चन आता है तब भी साधु संघ ही वाइटल फंडामेंटल चीज है। प्रथम पहला साधु संघ के फल श्रद्धा, श्रद्धा का अपर नाम शरणागति। भगवान का प्रियो जो होता है, भगवान का प्रिय साधन करने का इच्छा अंदर में हर वक्त बने रहता है, इसका नाम है प्रेम। भगवान का सुखो विधान का निरवच्छिन्न अनइंटरप्टेड डिजायर हृदय में बने रहता है, इसका नाम है प्रेम। पहला साधु संग में श्रद्धा, श्रद्धा अपन शरण, हरि प्रियो देश काल दुब प्रातो, सब चीजों का सन्निकर्ष मतलब सब चीजों का पहला चीज है साधु संग। प्रथम साधु संग पहला साधु संग का फल जो शरणापत्ति रूपी श्रद्धा उदय, इनका बारे में गीता में बताया, यही बताया सर्वधर्मान परित्यज, सर्वधर्मान परित्यज्यो
माम एकम शरणम भज। किसी किसी जगह लिखा है ऐसा, सर्वधर्मानं परित्यज माम एकम शरणम भज, अहम तम सर्व पापीभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। अर्थात स्मार्तो धर्मो अष्टांगो योग सांख्यो ज्ञान वैराग्य आदि धर्मो सब सर्वधर्मो सब ये सब बेकार, इसको त्याग करना है। इसके द्वारा जीवात्मा का जो असली चीज जरूरी है ये कभी नहीं मिल सकता है, जीवों का प्रयोजन साधन हो नहीं पाता। इसी रूप बुद्धि का उद्देश्य लेकर सर्वधर्म त्याग करने का बारे में भगवान बताया। सच्चिदानंद घन स्वरूप मैं जो हूं, ब्रजो विलासी कृष्णो जीवों का एकमात्र गति। सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंदमय सच्चिदानंद घन मैं जो हूँ कृष्णो ब्रजोविलासी कृष्ण ही जीवों का एकमात्र गति। ये हृदय में जानने का बात अनन्य भाव से कोई दूजा भाव ना रहे, भोग मुखो आदि चिंता लाभ पूजा प्रतिष्ठा कामिनी कांचन लोभ भोग मोक्ष आदि चिंता सब छोड़कर अनन्य शरणागत होना ही प्रपत्ति रूप श्रद्धा, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ श्रद्धा। यही श्रद्धा जब उदित होता है हृदय में, हृदय में जब इसी प्रकार का श्रद्धा उदय होता है तब जीव अफसोस करता है, तब जीव का जिंदगी में अफसोस होता है, तब जीव का जिंदगी में अफसोस होता है। तब जीवों का जिंदगी में अफसोस होता है, रोते रहता है, हाय राम मैंने क्या किया, रोते रोते साधु वैष्णव साधु का अनुगमन बा अनुगत्य में रहना पसंद करता है। जो ब्रह्मा जी ने भी बोला, ज्ञाने प्रयास मुदवश नमंत एव जीवंत सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम सने स्थिता सतिगताम तनुभांग मनोवीर जे प्रयास अजी अजीतोपि जीतोपि अशी त्वयि स्त्रीलोक्यम। अगर आप कहो कि ब्रह्मा जी का कोई रसोतत्व के बारे में ज्ञान नहीं है तो गलत है, क्योंकि हमारा परंपरा में ब्रह्मा जी है जिनको पहले काम गायत्री काम बीज मिला, ब्रह्म संहिता है। तो ये सब फालतू बातें नहीं करना, बहस करने से भक्ति नहीं मिलती है। तो जीव रोते रोते वैष्णव साधु का अनुगमन अनुसरण करते हैं, अनुगत्य करते हैं, गुरु वैष्णव का आश्रय लेके अनर्थ चार प्रकार का जो विषय है अपना स्वरूप का भ्रम, अपना स्वरूप का जो भ्रम असतृष्ण, चार प्रकार का अनर्थ है, अपना स्वरूप का भ्रम असतृष्ण अपराध और हृदय दोबल, इसका बारे में मैंने चर्चा किया पहले। ये सब छोड़ देते हैं, चार अनर्थ चार प्रकार का अनर्थ धीरे धीरे भाग जाता है, रहता ही नहीं,
चार प्रकार का अनर्थ धीरे धीरे भग जाता है, रहता ही नहीं। और चार प्रकार का अनर्थ हो जाने का बाद क्या होता है, इसका वास्तविक भजन का शुरुआत होने लग जाता है। चार प्रकार का अनर्थों के बारे में बताया अभी भक्तिवेन ठाकुर जी ने, स्वस्वरूप का भी भ्रम, असत्तृष्णा अपराध और हृदय दुर्बल्य। रागमार्ग में भजन करने का पहले ये सब जानकारी होनी चाहिए। स्वरूप भ्रम को चार भाग किया, स्वस्वरूपे भ्रम चार प्रकार का भाग किया। एक है स्वीय तत्व, अपना तत्व में स्वीय तत्व में भ्रम, कृष्ण तत्व में भ्रम, साध्य साधन तत्व में भ्रम और विरोधी विषय में भ्रम, चार किस्म का ये तत्व भ्रम बद्ध जीव के अंदर रहना स्वाभाविक है। असत्तृष्ण के बारे में बताया पारत्रिक ओहिक ऐषणा भूतिकाम, यह जगत में लाभ, शरीर छोड़ने के बाद लाभ अर्थात असत्तृष्ण के अंदर में इसी जगत में खूब लाभ प्राप्ति, ओहिक जगत में ऐषणा कुछ वासना रहता है, भूति काम विभूति काम और मुक्ति काम, ये सब असत्तृष्ण है। अपराध भी चार किस्म का विभाग करके दिखाया था, मैं विचार करके अपराध भी चार किस्म का, कृष्ण नामे कृष्ण स्वरूप में, भक्तों में और दूसरे नरों में। ये हृदय दौर्बल्य का भी चार भाग दिखाया, कृष्णेतर विषय में आसक्ति कुटिनाटी, परद्रोह प्रतिष्ठा, कृष्णेतर विषय में आसक्ति एक कुटिनाटी एक है, परद्रोह एक है, प्रतिष्ठा, ये चार किस्म का हृदय दौर्बल्य जो बद्ध जीवों को हरिभजन करने नहीं देते। हरिभजन करने नहीं, हरिभजन तो दूर की बात है, ये आगे पीछे ऐसा दीवार खड़ा कर देते कि कभी भी हम हरिभजन में प्रवेश तो हो नहीं सके। जब जीव अनुभव कर सके मैं शुद्ध चित्कान कृष्णदास, ये भूलकर स्वस्वरूप से भ्रष्ट होकर हम माया में गिर गया, सो जीवों का स्वरूप का डिस्कवरी, ये है पहला अनर्थ का नाश। जड़ वस्तु में अहम ममादि बुद्धि लाकर असत विषय में सुख आदि तृष्णा को असत तृष्णा बोला जाता है। ये तरह तरह का रूप में आ सकता है, पुत्र ईषणा वित्त ईषणा स्वर्ग ईषणा, तरह तरह का तृष्णा असत तृष्णा। नाम अपराध 10 किस्म का चर्चा किया था पहले पुरुषोत्तम व्रतों में, हरिनाम चिंतामणि का टाइटल लेकर जो चर्चा हुआ था उसी के अंदर में। नाम अपराध 10 किस्म का, हृदय दौर्बल्य से अफसोस माने शोक दुख शोक पैदा होता है, हृदय दौर्बल्य से दुख शोक आदि का उद्भव संभव है। यही चारि प्रकार अनर्थों अविद्याबद्ध जीव को, अविद्याबद्ध यही चारि प्रकार का अनर्थों अविद्याबद्धों जीवों के अंदर में नैसर्गिक फल है। एक नैसर्गिक मतलब इन कॉन्टेक्ट विथ सम
somebody or something, I develop a something strange. जैसे सब जीरो लेवल में पानी तो ऐसे लिक्विड है, तरल है, लेकिन सब जीरो लेवल में ये पानी बर्फ में बदल जाता है, कठिन हो जाता है। ये बर्फ का टुकड़ा देख के आपका माथा फोड़ सकता हूँ, संभव है, लेकिन ये बर्फ का नैसर्गिक की एक अवस्था है, परमानेंट अवस्था नहीं है। साधु संघ में शुद्ध कृष्णानुशीलन के द्वारा जब तमाम अनर्थों का नाश हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, योगादि दूसरा पंथा प्रत्याहार जम नियम वैराग्य ये सब व्यवस्था है इसमें, ता ये सबको ये सब में मेरा कोई रुचि नहीं है। योगादि दूसरा जो पंथा है, उपाय है, प्रत्याहार जम नियम वैराग्य आदि साधन चतुष्टय जो व्यवस्था है, ये उद्वेग रहित अवस्था नहीं है। इट इज नॉट सेफ प्रोसीड्योर, इट इज नॉट फ्री ऑफ एनी टेंशन, ये उद्वेग रहित अवस्था व उपाय नहीं है। क्यों? इनमें किसी भी रास्ते में जाओ, इसमें पतन का पॉसिबिलिटी है ही है, किसी रास्ता में जाओ भक्ति छोड़कर, पतन का पॉसिबिलिटी हर हालत में है ही है। ये सब तरीका अपनाने से एब्सोल्यूट मंगल मिलना कठिन है, कभी भी संभव, बड़ा कठिन है। साधु संगो कृष्ण नाम सबसे अच्छा प्रोसीड्योर है, हमारा गौड़ियों गुरुवर्ग ने दिखाया, महाप्रभु जी ने दिखाया। साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाय, संसार जीवित आर कोनो वस्तु नाई। साधु संघ में कृष्णानुशीलन दैट इज द सेफेस्ट प्रोसीड्योर, उद्वेग शून्य अवस्था। इसीलिए हमने चर्चा किया बहुत समय, स्वामिग्रम सेवसाम हेतु पंथ्या संताप वर्जित, ये सब श्लोक का चर्चा किया। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हमारा पूर्व महाजन लोग जिस पंथा अपनाया है, इसी पंथा के द्वारा अगर चले तो सबसे अच्छा है। इसमें ही भलाई है, इसको छोड़कर दूसरा कोई रास्ता में जाने का कोई कोशिश अगर करे तो ये ठीक नहीं है। सौमिग्रो सेवसाम हेतु पंथा संताप परिजिता, ये पंथा सबसे अच्छा पंथा है। इस पंथा के द्वारा हम निश्चिंत रूप में, निर्भीक रूप में, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी ट्रबल, हम भगवान के चरण में जा सकता, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन हर आदमी के अंदर में उठपटांग विचार बने रहता है, हर वक्त उठपकन विचार बने रहता है, ऐसा ही अवस्था है।
साधु संघ में कृष्णानुशीलन उद्वेक्षण जितना अनर्थ सब भाग जाता है। माइक दशा सारे तिरोहित हो जाता है। माइक दशा तिरोहित संपूर्ण रूप में हो जाने के बाद जीवों का अपना स्वरूप का उन्मेष व उद्बोधन हो जाता है। अनर्थ मुक्त व्यक्ति शुद्ध भक्तो हो सकता है। भक्तो अति दुर्लभ, कोटि कोटि मुक्त लोगों का अंदर में छानबीन 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 करो तो एकाद मिल सकता है। कोटि कर्मी मध्य है एक ज्ञानी श्रेष्ठ, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य है दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः श्रेयम साधन सहस्रैर कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा। कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। ऐसा करके भक्ति लता का बीज गुरु जी का कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। भक्ति लता बीज कदाचित गुरु वैष्णव का कृपा से ब्रह्मांड भ्रमित गुण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज मिलने का बाद ये बीज को रोपण करे, रोपण करने का बाद शवम कीर्तन जले करे शव कले सेचन। जीव बहु भाग्य से ऐसा भक्ति लता बीज जीव बहु भाग्य से ये भक्ति लता बीज जीवों को मिलता है। हृदय क्षेत्रों में रोपण करे और श्रवण कीर्तन भगवत कथा हरि कथा भक्त कथा श्रवण कीर्तन रूप जल में सेचन करे, सिंचाई करे। भक्तिलता उत्पन्न होकर बढ़ते बढ़ते ये माइक ब्रह्मांडो भेद करके बिरोजा और ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक भी भेद करके परब्रह्म तक पहुंच जाता है। उसी परब्रह्म में लौता बढ़ते बढ़ते उसके इसके भी ऊपर गोलोक वृंदावन तक जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण चरण रूप कल्प वृक्ष में आरोहण कर सकता है। कृष्णो चरणारूढ़ो, कृष्ण चरण में आरूढ़ो, जो कृष्ण चरण में पहुंच गया। कृष्णो चरण आरूढ़ो भक्ति लता, कृष्ण चरण आरूढ़ो कृष्ण चरण में जो चढ़ गया, कृष्ण चरण आरूढ़ो ये जो कृष्ण चरण आरूढ़ो भक्ति लता को ही वही प्रेम फल होता है। कृष्ण चरण आरूढ़ो गोलोक वृंदावन में जो अवस्था है इसी वृक्षों में लता में प्रेम फल लगता है। और यहां इस जगत में माली सेवन कीर्तन जल सिंचाई करते रहते हैं। इसी प्रक्रिया का समय में सेचाजल इसी प्रक्रिया अर्थात टू टेक केयर ऑफ द सीड एंड द भक्ति क्रीपर। इस समय में सिंचाई क्रिया तो है ही है, पानी सिंचाई का तो क्रिया तो है ही है। ये पानी सिंचाई छोड़कर दूसरा एक प्रक्रिया है
जिसके द्वारा भक्ति लता को प्रोटेक्शन करके आप मजा ले सकते हो। वो क्या है? इसका बाउंड्री, इसमें बाउंड्री देना है, बाउंड्री देना है। बाउंड्री माने चारों ओर से घेर दो, जैसे कोई छागल भेड़े कोई आके ये भक्ति लता बीच का पाता पत्ता 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 खाके खत्म न करके जाए। इसके लिए इस उत्पात, ये उत्पात से बचाने के लिए आपको प्रोटेक्शन देना है। इसका नाम क्या है भाई? अगर कोई हाथी कोई जंतु जानवर आके आपका भक्ति लोता को खत्म कर दिया, इसका मतलब क्या है? अपराध, अपराध रूप हस्ती आकर आपका भक्ति लता बीच का सत्यनाश करके चले जाए, भक्ति लता कृपा भक्ति लता का सर्वनाश करके चले, कोई अपराध का उद्गम ना हो, कोई अपराध का उद्गम, कोई अपराध का उद्गम ना हो, इस विषय पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपको रागानुगा मार्ग में या रागवत्म चंडिका का विषय में अगर खबर चाहिए तो यही है, भुक्ति मुक्ति वांछा निषिद्धाचार कुटीनाटी जीव हिंसा प्रवृत्ति, जीव हिंसा का प्रवृत्ति, लाभेच्छा लाभ पूजा प्रतिष्ठा का विषय, इस सब विषय में अगर हम अलर्ट ना रहे, ये सब विषय में अगर हम अलर्ट ना रहे, बहुत सावधान अलर्ट अगर ना रहे, तो ये श्रवण कीर्तन जो सिंचाई सिंचाई किया पानी, इसमें मूल लता का प्रतिकूल उपशाखा माने मूल वृक्षों का उसका जो वृद्धि ये रुक जाएगी, इसका वृद्धि रुक जाएगी और आपका आजू बाजू में सब फालतू जो ये जो वृक्ष पैदा होते हैं ये बढ़ के उसका जो रस है, इनके लिए जो दिया इतना पानी वो तो असली हमारा लता वृक्ष को मिली नहीं और खा लिया वो लोग। इसका माने क्या है? इसलिए बोला श्रवण कीर्तन आदि जो सिंचाई सिंचाई का जल दिया, इसमें मूल ओरिजिनल जो लता का उसका पुष्टि उद्गम और वृद्धि हो नहीं पाए, हो नहीं पाई, और प्रतिकूल जो है जो आपके जरूरी है ये उपशाखा और तरह तरह का फालतू घास उदित होकर वृद्धि हो जाता, इसमें मूल शाखा का जो ग्रोथ है, इसमें मूल शाखा का जो ग्रोथ है ये बढ़ नहीं पाता। इसीलिए माली का काम क्या है? जितना सारे आशा आकांक्षा उल्टा पलटा कामना वासना रूपी जो उपशाखा है ये अनर्थ सब सम, ये अनर्थ सब श्रवण कीर्तन जल सिंचाई समय में पहले से ही उठा उठा कर पटक दे, फेंक दे बाहर। वे घास फूस उल्टा पलटा जो अनवांटेड एलिमेंट जो हमारा मूल भक्ति लता को बढ़ने नहीं दे रही है, इसको उठा उठा कर फेंक दे, ये जरूरी है। ये अगर कर सके, कामना वासना आदि सब फेंक सके, तो भक्ति लता बीज आपका आगे जा सकता है, प्रेम फल फूल अर्थात आगे चलकर मूल सखा वृद्धि प्राप्त होकर श्री वृंदावन पहुंचे,
गोलोक वृंदावन, उसमें कृष्ण चरण कल्प वृक्ष में आरोहण करके वृक्षों का सिंचाई काम तो इधर से चल ही रहा है, वहां प्रेम फल आप आस्वादन करो। और ये प्रेम भगवान का साध जो अनन्य प्रेम ब्रजवासियों का अनुगत्तम है, ब्रजवासियों का माफिक जो प्रेम, इसी प्राप्ति करने का जो रास्ता है, ये रास्ता दिखाया गया ये राघवत्म चंद्रिका में, इसी का रास्ता। क्योंकि जीवों का कृष्णों के साथ जो प्रेम प्राप्ति, विशेष करके राघवत्म चंद्रिका में संबंधों का जो रागभक्ति, इसका बारे में चर्चा इसमें नहीं किया गया, मैंने बात को उठाया था। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती विशेष करके कामरूपा कामानुगा ये जो भक्ति का बारे में, अर्थात ब्रज गोपियों का अंदर में जो अनन्य साधारण प्रेम है राधारणी का अंदर में, इसी का ही रास्ता का प्रदर्शन करने के लिए ये राघवत्म चंद्रिका ग्रंथों को लिखा है, संकलित किया। प्रेम ही जीवों का परम पुरुषार्थ हो, ये हर हालत में प्रमाणित है, हर हालत में प्रमाणित है कि कृष्ण प्रेम ही जीवों का परम पुरुषार्थ हो। धर्म अर्थ काम मोक्षो ये चार पुरुषार्थ इनके सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। 10 किस्म का अपराध का बारे में सावधान रहना जरूरी है, इसलिए इसका भी चर्चा हमने हरिनाम चिंतन में क्या चर्चा के समय किया, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए दो एक मिनट के लिए बताएं। साधु निंदा कृष्ण तरो देवता का स्वतंत्र भगवत ज्ञान करके विचार करना, पहला है साधु निंदा, कृष्ण छोड़कर दूसरा कोई स्वतंत्र भगवान है अलग सा ये विचार करना, 3 है गुरु अवज्ञा है, 4 है श्रुति शास्त्र का निंदन, 5 है श्री हरिनाम में अर्थोबात, श्री हरिनामे अर्थोबात, श्री नामे कल्पना ज्ञान, ये दोनों का विचार कभी करेंगे दिखाएंगे। हरिनामे अर्थोबात, श्री नामे कल्पना, ये इमेजिनरी है, ये ज्ञान 6 नंबर, 7 नंबर श्री नाम का सहारा लेकर पाप बुद्धि, 8 नंबर श्री नाम ग्रहण का समय में प्रमाद मतलब कोई अटेंशन नहीं दिया, भ्रांति गलती कर दिया, श्री नाम ग्रहण को प्रमाद के द्वारा दूसरा सभी शुभ कर्म के साथ एक समझना, श्री हरिनाम ग्रहण को बुद्धि खराब हो गया मेरा, इसलिए श्री नाम ग्रहण करने का जो विषय है हरिभजन में, ये हरिनाम ग्रहण को भी मैंने प्रमाद के द्वारा वशीभूत होकर दूसरा सब शुभ कर्मों के साथ एक जैसा मान लिया, ये अपराध है। 9 नंबर है जड़ाशक्ति क्रमे श्रद्धाहीन, जड़ाशक्ति क्रमे श्रद्धाहीन व्यक्तियों को, श्रद्धाहीन बोल के जिन्होंने सुनेगा ही नहीं, श्रद्धाहीन मतलब बात समझे, किसका पास श्रद्धा नहीं है, अरे श्रद्धा तो नहीं होना ही स्वाभाविक है, श्रद्धा पैदा करने के लिए तो सदगुरु, तो यहाँ जो श्रद्धाहीन व्यक्ति को ही तो हरिनाम, जिसका श्रद्धा पहले से ही है उसका तो है ही है,
नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर हरिदास नित्यानंदो हरिनाम को उपदेश किया। क्या वहाँ सब व्यक्ति क्या श्रद्धावान था, श्रद्धा पैदा कर? तो यहाँ माने क्या है, श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश देना सख्त सख्त माना है। किस लिए? बल इसका व्याख्या यह है, जिन व्यक्तियों को उपदेश करो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, गाली दे रहा है, मारने आ रहा है, तो उसको मार दो, उसको मार दो, उसको देना था तो मात श्रद्धाहीन व्यक्ति को ही तो हरिनाम दिया है उपदेश करे। श्रद्धावान व्यक्ति तो श्रद्धा ही है। तो माने यही है जे नित्यानंदो हरिदास ठाकुर घर घर में जाके सब रास्ते रास्ते में हैं डोलते डोलते सब ये हर कोई को वितरण किया, श्रद्धा नाम किया। महाप्रभु जी ने बताया ना, हर कोई को जाके बोलो मेरा नाम जब कृष्ण है, बोलो कृष्ण जप कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, ये सब बताया था। तो फिर जड़ाशक्ति क्रमे श्रद्धाहीन व्यक्ति को नामदान उचित नहीं। जो व्यक्ति सुनने के लायक नहीं, सुनना चाहता नहीं, नहीं गाली देता है, उसका अंदर में गंदगी है, नाम दे तो उल्टा करेगा। श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम देने से गुरु जी का पतन हो जाता है। और 10 नंबर से नाम का इतना अपार महिमा सुनने का बावजूद इसमें अप्रीति प्रीति नहीं होना। जो सब साधक व्यक्ति वास्तविक रूप में राग भत्म चंद्रिका का मार्ग में चलते हुए आप सही जगह पर पहुंचना चाहते हो ये लोग के लिए ये अवश्य पालन करना है। श्री नाम परायण, नाम को जो अपनाया है, जिन लोगों ने नाम का सहारा लिया है, नाम परायण साधक ये 10 किस्म का नाम अपराध अवश्य परित्याग करे। ना करे तो इनका अधिकारी नहीं है रागवात्म चंद्रिका सुनने का। गुरु वैष्णव में मर्त बुद्धि प्राकृत जाति बुद्धि भीषण वैष्णव अपराध। गुरु बाबा गुरु वैष्णव में मर्त बुद्धि ये नीचा खानदान में पैदा हुआ ऐसा बुद्धि ये बड़ा खतरनाक है, भयंकर है। इन सब चीजों से हम लोगों को दफा रहना है। अगर ना रहे तो सत्यनाश अवश्यंभावी ये होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह है नहीं। काल से हम लोग चर्चा करेंगे जे राग भत्म चंद्रिका अनुसरण करके फाइनली हमको क्या बेनिफिट क्या मिलने वाला है, क्योंकि भगवत चरण में अगर हमारा पहुंचना है राग भत्म चंद्रिका को फॉलो करके तो पहुंचना है कैसे ना ब्रजगोपियों का अनुगत्य में, इसमें हर कोई का अधिकार तो है नहीं। इसलिए पहले परिचय चर्चा करेंगे ये प्रेम प्रीति क्या वस्तु है, फिर उसका बाद चर्चा करेंगे जो भक्ति भक्त भगवान का गहरा विषय प्रेम उत्कर्ष होने का क्रम है ग्रेजुअल, और पहले ही बताया हमने बहुत बार और यहाँ भी भक्ति में ठाकुर का अनुगत्य में हम लोग ये सब चर्चा किया, जैसे कि आगे चल के हमारा मिशन सफल हो जाए। उपाय भी नहीं है, चारों ओर से माया देवी का अत्याचार है, इसी बीच में चलना पड़ता है, कली का प्रभाव है, क्या करें। यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे, उपाय भी नहीं है,
कंठोस्वर में जो हालत है इसलिए और भी मैं दुखी हूं, सही ढंग से बता नहीं पाए, ऐसा कष्ट होता है। क्या करें, बहुत दिन से काल भी अच्छा नहीं बता, उपाय नहीं, तो कष्ट हो रहा, पूरा प्रेशर चेस्ट में आ रहा है, छाती पे कली का प्रभाव है। जो भी है, चलो आज यहां तक चर्चा का विश्राम रखे। मैं दुखी हूं, सही तरीका से चर्चा हो नहीं पा रहे। जदा भ्रामम भ्रामम हरि रस गलत वैष्णव जनम कदाचित संपक्षम तदनुगमने सदरुचि युत तदा कृष्ण प्रीत्वा त्यजति सनकैर्मयिक दशाम स्वरूपम विभ्रानो विमल रस भोगम सकुरुते। यदा भ्रामम भ्रामम हरि रसो गलत वैष्णव जनम कदाचित संपश्यम तदनुगमने सद रुचि युत तदा कृष्ण प्रीत्वा त्यजति सनकैर् सनकैर्मयिक दशाम स्वरूपम विभ्राणो विमल रस भोगम सकुरुते। वांछकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो।